नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने यूथ कंपटीशन का बिहार में जितने भी परीक्षाएं हुई हैं और बिहार स्पेशल उसमें पूछा गया है, वही मैं सॉल्व करा रहा हूं। आज इसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि इससे पहले मैंने कल कराया था जिसमें लगभग 200 क्वेश्चन है। मैंने 155 क्वेश्चन ही मतलब कराए हैं। ये बिहार का इतिहास है जो 155 क्वेश्चन मैंने कराया हूँ। उसके पहले बिहार का परिचय कराया हूँ, लगभग उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, तो इससे 200 क्वेश्चन हो गया है। तो अब हम अगला देखेंगे, 156वां क्वेश्चन देखें। 156वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। वह अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में, जो पटना में है। अगला हम देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। पाटलिपुत्र में या अशोक के शासनकाल में हुआ था। हम देख लेंगे इसको, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 में महाकश्यप अजातशत्रु राजगृह में, द्वितीय 383 सभा का में कालाशोक और वैशाली में हुआ था, और तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था। यह कहीं कहीं 247 मिलता है, कहीं 251, कहीं 255 मिलता है, कोई बात नहीं, लेकिन पूछा जाएगा कहाँ हुआ। अशोक के समय में हुआ था, पाटलिपुत्र में। और चौथा, वसुमित्र के समय में, कनिष्क के उस समय शासनकाल था, कुंडलमन यानी कश्मीर में हुआ था। आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 158 है, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में चयन किया था। उदयन ने। अगला देखेंगे, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है। समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के इन लोगों ने गठन किया था। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अखबार में प्रकाशन पटना से होता था। कौन सा अखबार है जिसका प्रकाशन पटना से होता था। इंडियन नेशन, इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। इसका प्रकाशन 1931 महाराज कामेश्वर सिंह द इंडियन नेशन पत्र की स्थापना की थी। अगला देखेंगे, 161वां क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, हजारीबाग को। अगला देखेंगे, कुंवर सिंह, जो वीर कुंवर सिंह थे, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए थे। बिहार से, बिहार के जगदीशपुर से। अगला हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र में की गई थी। अगला हम देखेंगे, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला हम देखेंगे, हरियक वंश से बिम्बिसार की राजधानी क्या थी। राजगिरी थी कि वैशाली थी कि चंपा थी। राजगिरी थी। हम इसका विस्तार भी देख लेते हैं। मगध साम्राज्य की वास्तविक राजधानी बिम्बिसार की हरियक वंश थी, गिरिपज या राजगिरी थी। उन्होंने 52 वर्षों तक शासन किया था। अगला हम देखेंगे, भारत में प्रथम सिक्के का प्रचलन कहाँ से किया गया था। यह किया गया था बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश से। बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश से भारत में प्रथम सिक्का का प्रचलन किया गया था। मौर्य राज के संस्थापक कौन है। मौर्य राज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अगला हम देखेंगे, जो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। किसके पक्ष में थे, झारखंड, झारखंड के पक्ष में थे। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 169 है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार एक अलग प्रांत का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। 1912 में, क्योंकि उसी समय बंगाल और बिहार एक साथ अलग हुआ था। बिहार और उड़ीसा एक साथ अलग हुए थे बंगाल से 1912 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी, पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कब हुई थी, 17 मई 1934 में। कहाँ हुई थी, पटना में, याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। अगला देखेंगे, किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था। उदयन ने इसकी स्थापना किया था, पाटलिपुत्र की। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, राजगीर में। राजगीर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था।
1483 में। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद, जो घनानंद था वह सिकंदर के समकालीन था। अगला हम देखेंगे, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1958 तक का केंद्र था? जगदीशपुर, जगदीशपुर मतलब मुख्य केंद्र था 1857 की क्रांति की लड़ाई के समय। अगला हम देखेंगे, 175 क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता, स्वतंत्रता नेता पटना के ना, हाँ तो हैदर अली खान थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? हैदर अली खान थे, क्योंकि ये जगदीशपुर के थे, ये पटना पूछ रहा है ना, इसलिए हैदर अली हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? यह 1820 से 1821 के दौरान हुआ था। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? पटना, पटना सबसे ज़्यादा प्रभावित था। अगला हम देखेंगे, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? कौन था? धर्मपाल। 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर में कास अधिनियम ने रोक लगाई, मतलब 1908 ईस्वी के एक छोटा नागपुर में कास अधिनियम से रोक लगाई गई थी। किसके लिए लगाई गई थी? बैठ बेगारी पर रोक लगाई थी। बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात 1960 ईस्वी में छोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम द्वारा बैठ बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई। अधिकांश आदिवासियों को खंटी भूमि व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई थी। अगला देखेंगे, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? यह हुए थे 1917 में। हिंदू मुस्लिम दंगे बिहार में कब हुए थे? यह हुए थे 1917 में। कहाँ हुए थे? शाहबाद, गया और पटना जिलों में। अगला हम देखेंगे, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। एक सौ तिरासी हम देखेंगे, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? जो बिहार और उड़ीसा के साथ अलग हुए थे बंगाल से, उसके लिए आंदोलन चलाया गया था, उसका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। याद रखिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदार कर न देने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था उसी समय। अगला हम देखेंगे, चंपारण, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। स्वामी सहजानंद का संबंध कैसे है? बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित हैं सहजानंद। अगला हम देखेंगे, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण में 1917 में भाग लिए थे। अगला हम देखेंगे, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन पर नेतृत्व किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के साथ नेतृत्व किए थे चंपारण में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। पाटिल पुत्र को किस नाम से सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, मतलब किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? इसमें तो दिया ही नहीं है, क्योंकि
उदयन ने सबसे पहले बनाया था, परंतु विक्रम नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त की सहायता के लिए नंदवंश का घनानंद हराकर साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? नहीं था श्रीलंका, श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अगला हम देखेंगे, बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना कब की गई थी? 1882 में। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं का आयोजन 1882 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने गोरक्षणी सभा की स्थापना की थी, याद रखिएगा। बिहार मतलब किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। छोटा नागपुर में काश्तकारी कानून का पारित हुआ था 1908 में, 1908 में। पटना में प्रांतीय राजधानी बनाया गया, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था शेरशाह के द्वारा। अगला हम देखेंगे 1996 क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? सबसे अधिक बिहार और संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत जिसे हम आज उत्तर प्रदेश कहते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 197, 1857 विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, जहां मतलब 1857 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? हुआ था मुंगेर जिला, मुंगेर जिला में कोई प्रभाव नहीं पड़ा 1857 का। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। अगला हम देखेंगे, यह कथन और निष्कर्ष दिया गया है, 12वीं सदी में अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, महाविहार के राजकीय प्रश्न मिलना बंद हो गया था। उपरोक्त वाक्यों में से कौन सा सही है? ए आर दोनों सही है, क्योंकि बौद्ध धर्म के संरक्षण देने वाले पाल शासक 12वीं सदी तक काफ़ी कमजोर हो गए, उनका राज समाप्त हो गए, तुर्कों ने आक्रमण करके उसे आग के हवाले कर दिया, यद्य संरक्षण का भाव में वह पहले ही महत्वहीन हो चुका था। अब हम अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 200 है, क्वेश्चन नंबर 200 है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 और 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। भागलपुर राजमहल में, 100 बिहार, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में। या किसने किया था? आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किए थे। आचार्य नरेंद्र देव को भारतीय समाजवादी चिंतन आदि पुरुष और मनु भी कहा जाता है। सन 1866 से 86 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करिए। चंपारण और मुजफ्फरपुर में यह नील खेतिहारों के लिए विद्रोह हुआ था, चंपारण और मुजफ्फरपुर में। अठारह सौ तीस के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका था? बहावी आंदोलन का केंद्र क्या था? पटना था। क्वेश्चन नंबर 204 देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार राज्य के लिए क्रांति सभा की स्थापना की गई थी कब? 1774 में। अगला हम देखेंगे, 1857 विद्रोह ने बिहार में कई नगरों को प्रभावित है किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? सही क्रम रोहड़ी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। 1857 के क्रांति के समय इन जिलों में सक्रिय थे 1857 क्रांति के नेता लोग। दो सौ छह देखेंगे,
बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुरफुद्दीन मनेरी का संबंध किन सूफियों संप्रदाय से था? कौन सा सूफी संप्रदाय से? फिरदौसी सूफी उनके संप्रदाय से संबंधित थे। मध्य काल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि आपको बताना है क्योंकि वह विद्या का केंद्र था और धार्मिक केंद्र था, विद्या का केंद्र और धार्मिक केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 208 देखेंगे। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा है? भाबरू। भाबरू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को अशोक बताया है, मगध का सम्राट बताया है। अब हम अगला चैप्टर देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 है बिहार की भौगोलिक संरचना एवं स्थिति। तो पहले आप लोग, जैसे कि पहला पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप जाके वहाँ से पहला पार्ट देख सकते हैं, उसके बाद आप दूसरा पार्ट देख सकते हैं। लगभग 250 क्वेश्चन का हो जाएगा। पहला पार्ट में लगभग 200 क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट में 50 क्वेश्चन वो बिहार का परिचय जो है वो पहले पार्ट में, और कुछ बिहार इतिहास है वो भी पहले पार्ट में है। जो बचा हुआ था बिहार का इतिहास में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन था वो मैंने दूसरे पार्ट में करा दिया हूँ। तो आप लोग इसको देखिए, उसके बाद हम अगला कराएंगे बिहार का भौगोलिक संरचना एवं स्थिति। तो आप देखिए, जैसा हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा।